गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सुनय करनाल यूपीएससी मुकाम से। क्लास सिक्स का एसएसटी हमने लिया, सोशल स्टडी में हमने ज्योग्राफी लिया है और हमारी बुक का नाम है द अर्थ अवर हैबिटेट। ठीक है, जो अर्थ है, किस तरह हम लोग जो है अर्थ पे रहते हैं, किस तरह सारे रहते, हमारी रहने की जगह है वो अर्थ। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारी धरती है, हमारी जो अर्थ है, और उसमें सोलर सिस्टम कैसा है, तो हमारे स्टार्स, हमारे मून, हमारे प्लैनेट्स, ये किस तरह है हमारे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो नाउ मैं अब स्टार्ट करूँगी इस चैप्टर को। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कि कभी आपने देखा है सनसेट हुआ सूरज का डूब जाना, कभी आपने आसमान की तरफ देखा है जब सूरज डूब जाता है, ठीक है, कितना सुंदर लगता है कि जो है हमारी जो स्काई है, हमारा जो आसमान है, जब सूरज डूब रहा होता है तब कितना खूबसूरत लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जैसे ही वो डूबने लगता है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें छोटे छोटे जो है वो डॉट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे जैसे ही सूरज डूबता है, रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो हमें आसमान में कुछ चमकता हुआ डॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पहले एक दो डॉट होते हैं, फिर जो है वो डॉट्स होते हैं, वो बढ़ना, जो बिंदु हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं आसमान पे, जैसे ही अंधेरा शुरू हो जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। हम देखते हैं रात को हम छत पे जाते हैं, जब बिल्कुल अंधेरा हो गया होता है तो हम आसमान में वो चमकती हुई चीज़ें देखते हैं तो हम उनको गिन नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते कि कितने हैं, बहुत सारे होते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। धीरे धीरे जो पूरा आसमान है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, भर जाता है, जो चमकना शुरू हो जाते हैं। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ जो होते हैं उसमें वो चमक रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं उनकी रोशनी थोड़ी डिम होती है, हल्की होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स। ऐसे लगता है हम जब रात को हम आसमान देखता है तो हमें लगता है कि आसमान में कितने सारे हीरे जवाहरात हैं, हीरे लगे हुए हैं, डायमंड्स लगते हैं। जिस तरह डायमंड चमकता है ना, तो हमें आसमान ऐसा लगता है कि जो हमें जो हमारा आसमान है वो हीरों से चमक रहा है, वो चमक चमाते हीरे हैं। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। हम आसमान में सब चमक रहे होते हैं, बिल्कुल जब सन्नाटा होता है, कहीं भी लाइट नहीं होती है, अंधेरा अंधेरा होता है आसमान में, तब देखते हैं कि वो स्टार्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं। ट्विंकलिंग मीन्स चमक रहे होते हैं, चमकना। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे हमें आप, तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं आसमान में जो चमक नहीं रहे होते हैं, कुछ चमक रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो चमक नहीं रहे होते, ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। जिस तरह से चांद की रोशनी चमकती होती है, चांद एक जगह पर चमक रहा होता है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी जगह खड़े होकर चमक नहीं रहे होते हैं, लेकिन उनकी शाइनिंग होती है। कई बच्चों आप देखो, अगर रात को हम जाते हैं आसमान को देखते हैं तो वो चमक कुछ होता है, चमचमाता हुआ हमें दिखाई देता है आसमान में, चमक रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो चमकते नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी रोशनी होती है चांद की तरह, जिस तरह मून होता है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, वो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आसमान में, जिन्हें हम स्टार्स वगैरह कहते हैं, उनके बीच में चांद भी होता है, जो कि हमें ज़्यादा दिनों में दिखाई नहीं देता है, कुछ दिन दिखाई देता है, कुछ दिन हमें नहीं दिखाई देता है चांद। इट मे हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, कभी वो छोटा होता है चांद, कभी बड़ा होता है चांद, कभी एकदम से ख़त्म हो जाता है चांद, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। कभी हम देखते हैं चांद हमें अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है, कभी कभी 6 बजे दिखाता है, कभी 7 बजे, ठीक है, ऐसे उसका टाइम चेंज होता है, फिर उसकी जो होती है शेप चेंज होती है, चांद थोड़ा बड़ा फुल मून में होता है, फिर छोटा 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 होता है, आधा हो जाता है, फिर ख़त्म ही हो जाता है, और फिर डिफरेंट पोजिशन, उसकी पोजिशन भी चेंज
चेंज होती हैं चांद की। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। पूरे एक महीने में आपको एक ऐसा दिन आएगा जिसमें कि फुल मून होता है, पूरा चांद दिखता है, वो महीने में एक बार होता है। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, उसे कहते हैं हम फुल मून कहते हैं या तो हम पूर्णिमा कहते हैं। वो महीने में एक दिन हर दिन ऐसा आता है, ठीक है। उस दिन देखिए जो महीना 15 दिन जो होता है वो मून जो होता है वो बढ़ता है, छोटे से बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो एकदम से जब फुल मून हो जाता है तब उसको कहते हैं पूर्णिमा। फिर एक फिर क्या होता है उन 15 दिन के बाद मून जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो उसे कहते हैं हम लोग अमावस्या। अ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, ठीक है। फुल मून हुआ ना पूर्णिमा, उसके 15 दिन के बाद आप चांद नहीं देखोगे, क्योंकि फुल मून के बाद उसके बाद हर दिन जो है चांद जो है वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, तो पूरे 15 दिन के बाद चांद जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट 15 डेज में चांद जो होता है दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, छोटे बड़ा छोटा से बड़ा 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 बड़ा, फिर फुल मून आ जाएगा, फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा सर्कल होता है, महीने में चलता रहता है, हर महीने होता है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, ठीक है। फुल मून में हुआ जब पूरा चांद दिखाया था उसको पूर्णिमा कहते हैं, जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है खत्म हो जाता है उस दिन उसको अमावस्या कहते हैं। उस दिन नया चांद बनना शुरू हो जाता है, नेक्स्ट जैसे चांद होता है वो नया बनना शुरू हो जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। जिस दिन आसमान में हमें चांद नहीं दिखाई देता है उस दिन जो होती है वो आसमान बिल्कुल भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि सब जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, चांद उनके बीच में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये है हमारा लेसन जो है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह जो है हम स्टार्स को चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन सारे नहीं चमकते हैं, कुछ होते हैं वो खाली रोशनी होती है उनकी, वो शाइन कर रहे होते हैं लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। और जो मून है वो हर 15 डेज में अपनी पोजिशन और डायरेक्शन और अपना जो साइज है वो चेंज करता है। पहले 15 दिन वो फुल मून होता है, छोटे से बड़ा होना शुरू होता है, तो फुल मून के बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या के दिन नया चांद बनना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी, तो आप इतना जो है वो उसको स्टडी कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।